वास्तव में नजूल की है और 2015-16 तक नजूल की रिकॉर्ड में थी। इनने फिर बाद में फर्जीवाड़ा करके और पैसे वैसे देके और ये ज़मीन वक्फ के नाम चढ़वा ली और उसके बाद से लगातार मुझे दबाव बना रहे खाली करने के लिए। और 50 लाख रुपए का मुझे ऑफ़र दिया गया था एक मुस्लिम लीडर द्वारा, लेकिन मैंने कहा कि ये ज़मीन नजूल की वक्फ की नहीं है, इसलिए मैं 50 छोड़ आप 5 करोड़ देंगे तो भी मेरे को खाली नहीं करना है, क्योंकि शासन की ज़मीन है, शासन में चले जाए सारी ज़मीन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शासन ने, जिला कलेक्टर ने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करते हुए खुद मेरे को अकेले को नोटिस दिया। मैंने नोटिस के जवाब में सब बता दिया कि ये ज़मीन नजूल की है, 60-70-80 लोगों ने यहाँ मुस्लिम पंचान के और दूसरे लोगों को यहाँ कब्जा करवा के और किराया वसूल रहे, सामने भी मुस्लिम पंचान के लोग किराया वसूलते शासन की ज़मीन पर। शासन उस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ मेरे से कलेक्टर के व्यक्तिगत द्वेषवश मुझ पर कार्रवाई की जा रही है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। और सारे हिंदू संगठन सुन ले कि आज शनिचरी अमावस्या से 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यहाँ भागवत कथा का आयोजन पूर्व निर्धारित था, उस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भी इनने बाधा डालने की कोशिश की है और कथा के दौरान ये सब तोड़फोड़ मचाई है, जबकि मैं खुद इनको सरेंडर करने को तैयार हूँ ये ज़मीन। देखिए, बेसिकली ये नजूल की जगह है, 8,800 स्क्वायर फीट जगह है, इसको हमने आज अतिक्रमण से मुक्त कराया है और इसका नगर हित में कुछ ना कुछ उपयोग किया जाएगा। ये 8,800 स्क्वायर फीट जमीन है, नजूल का सर्वे नंबर 117 है, इसको हम खाली करा रहे हैं आज। सर, इस पे क्या विवाद चल रहा है? नहीं, जमीन पे कोई विवाद नहीं है, एक शासन पक्ष है और एक अतिक्रामक है, तो शासन ने अतिक्रामक से अपनी भूमि को खाली कराया है ताकि नगर हित में उसका कोई ना कोई उपयोग किया जा सके। एक धार्मिक आयोजन भी चल रहा था। देखिए, क्या होता है कि कई बार नोटिस देने के बाद इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हो जाते हैं, तो जैसे भागवत कथा वहाँ बैठी है, भागवत कथा बहुत आराम से चल रही है और वो जिस प्रकार से संपन्न होनी वैसे ही संपन्न होनी होगी, उसको निर्विघ्न रखते हुए आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया है।